सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने छोटे भाई के कॉलेज यूनिफॉर्म को फाड़ के, मतलब एग्जैक्टली फाड़ के नहीं बल्कि अल्टर करवा के अपने लिए घर पे पहनने लायक एक बहुत ही कूल फैशनेबल ट्रेंडी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कॉस्ट्यूम तैयार किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस कॉस्ट्यूम की खास बात यह है कि एक यूनिफॉर्म होने की वजह से ये परफेक्टली मैचिंग भी है। गाइस यूजुअली कॉलेज यूनिफॉर्म हर किसी को पसंद नहीं होता, बात तो सही है। और 3-4 साल की कॉलेज लाइफ में रोजाना एक ही कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के हम सभी लोग अपने यूनिफॉर्म से बोर हो जाते हैं। और कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज की एक सुनहरी याद बन के ये कॉलेज यूनिफॉर्म अलमारी के किसी कोने में सड़ रहा होता है। और सिर्फ होली के दिन या फिर दिवाली के साफ सफाई के दिन ही इसे याद किया जाता है। तो गाइज मेरे भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी अपने कॉलेज यूनिफॉर्म से बोर हो चुका था। अच्छा, अभी आप मेरे छोटे भाई को यूनिफॉर्म पहने कॉलेज के सामने खड़ा देख पा रहे हैं। गाइज मेरा भाई मुझसे बहुत ज्यादा हेल्दी है और मैं ठहरा सिंगल हड्डी, ठीक है, इस वजह से उसके सारे कपड़े मुझे लूज और ढीले होते हैं। और गाइज यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि अपने छोटे भाई के लूज और ढीले कपड़ों का यूज करके मैं अपने लिए कम्फर्टेबल, फैशनेबल और घर पे पहनने लायक मैचिंग कॉस्ट्यूम का जुगाड़ कर सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरे भाई की ये पैंट मुझे बहुत बड़ी और ढीली हो रही है, कमर में बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है, पैरों में भी ये पैंट बहुत ढीली है और इस पैंट की लंबाई भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ गया। बात करते हैं गाइस शर्ट की, तो शर्ट भी मुझे बहुत बड़ी और ढीली हो रही है, शर्ट के शोल्डर्स भी थोड़े से वाइट दिख रहे हैं, शर्ट की स्लीव्स भी मेरे हाथों से बहुत ज्यादा लंबी है, चेस्ट और कमर के एरिया में भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक देखने को मिल रहा है। ये शर्ट किसी हैंगर पे टंगे कपड़े की तरह मेरे बॉडी के ऊपर झूल रही है। और मैं इस वक्त वो इंसान नजर आ रहा हूँ जिसे खेतों में चिड़िया भगाने के लिए लकड़ी की मदद से बनाया जाता है और उसके ऊपर कोई पुरानी शर्ट टांग दी जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइज इन कपड़ों को अल्टर करने के लिए मैं गया था अपने एरिया के लोकल टेलर के पास, जिनके पास मैं हमेशा जाता रहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे पैंट को शॉर्ट बनाना है, शर्ट की स्लीव्स को भी शॉर्ट बनाना है और इन कपड़ों को थोड़ा सा मेरी फिटिंग का बनाना है। सबसे पहले उन्होंने मेरी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कपड़ों के ऊपर मार्किंग की, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया और बचे हुए कपड़े पे सिलाई करके अच्छे से फिनिशिंग कर दी। उन्होंने पैंट की लेंथ को शॉर्ट कर दिया, पैंट को कमर में से थोड़ा सा टाइट कर दिया, शर्ट के दोनों स्लीव्स को भी शॉर्ट कर दिया और शर्ट के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की ओर दबा के सिलाई कर दी ताकि शर्ट मेरे फिटिंग का हो जाए। और इस काम के उन्होंने मुझसे 80 रुपए लिए, 40 रुपए शर्ट के और 40 रुपए पैंट के, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी डील रही। और अब हम देखेंगे फाइनल रिजल्ट्स। गाइस कपड़ों को अल्टर करवा के मैं वापस घर आ गया हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो पैंट थोड़ी देर पहले मुझे बड़ी और ढीली हो रही थी वो अब मुझे परफेक्टली फिट हो रही है, कमर में भी पैंट मुझे एक्यूरेटली फिट हो रही है, जो पैंट थोड़ी देर पहले बैगी नजर आ रही थी वो अब स्लिम फिट नजर आ रही है, पैंट की सभी पॉकेट्स को मैं अच्छी तरीके से यूज कर पा रहा हूँ जिसमें मैं अपना मोबाइल और पैसे वगैरह रखूंगा, पैंट बहुत ही कंफर्टेबल है, इस शॉर्ट पैंट को पहन के मैं सभी बॉडी मूवमेंट्स अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ, इस पैंट की लेंथ को मैंने घुटनों तक रखा है, इस शॉर्ट पैंट में थोड़ी और स्टाइल ऐड करने के लिए मैं इसे नीचे से रोल अप कर लेता हूँ, रोल अप करने के बाद ये पैंट और भी ज्यादा अच्छी दिख रही है। गाइस बात करते हैं शर्ट के बारे में, तो अल्टर करवाने के बाद शर्ट कुछ इस तरह से नजर आ रही है, शोल्डर्स की पोजीशन काफी हद तक लेवल में आ गई है, स्लीव्स को मैंने शॉर्ट करवा लिया है और साइड से मैंने थोड़ी सी फिटिंग भी करवा ली है, शर्ट की लेंथ मेरे हिसाब से ठीक है, हाथ ऊपर करने पर शर्ट ज्यादा ऊपर नहीं जाती, इस शर्ट को पहन के मैं सारे बॉडी मूवमेंट्स अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ, शर्ट में थोड़ी और स्टाइल ऐड करने के लिए मैं इसकी स्लीव्स को रोल अप कर लेता हूँ, स्लीव्स को रोल अप करने के बाद ये शर्ट और भी ज्यादा कूल नजर आ रही है, कंफर्ट को और बढ़ाने के लिए मैं इस शर्ट के ऊपर की पहली बटन को ओपन भी रख सकता हूँ। बहुत सारा कपड़ा काटने की वजह से अब ये शर्ट और पैंट बहुत ही लाइट वेटेड हो गए हैं जिसकी वजह से ये और भी कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। एक तो यूनिफॉर्म होने की वजह से ये शर्ट और पैंट आपस में मैच करते हैं जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट कॉस्ट्यूम की तरह नजर आते हैं। मैं इस कॉस्ट्यूम को घर पे पहनकर रिलैक्स करता हूँ, आराम करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, अपना कोई काम है एडिटिंग करता हूँ और वर्कआउट भी करता हूँ। गाइज मुझे तो ये कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि वैसे भी ये यूनिफॉर्म अलमारी में पड़े पड़े सड़ रहा होता, तो सिर्फ 80 रुपए खर्च करके मैंने इस यूनिफॉर्म से अपने लिए घर पे पहनने लायक एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल कॉस्ट्यूम तैयार किया है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और इसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है, तो आप बताइए गाइज आपको ये घर पे पहनने वाला कॉस्ट्यूम और इसका अल्टरेशन प्रोसेस कैसा लगा। आशा करता हूँ गाइज कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसी के साथ अगर आप क्लोथिंग हैक्स से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो।